दिन भर के प्रायोजक हैं होटल रॉयल रेजिडेंसी और फॉरेस्ट क्लब। साई प्रणाम, सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं पूजा वर्मा। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने MMMUT में फार्मेसी बिल्डिंग का शिलान्यास कर छात्रों में टैबलेट व स्मार्टफोन का किया वितरण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1878 करोड़ रुपए की 76 विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास एवं लोकार्पण। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रेल मंत्री ने ग्रामीण डाक सेवा फाइनेंशियल रेम्यूनरेशन स्कीम की दी जानकारी। सांसद रवि किशन ने वन नेशन वन इलेक्शन का पत्रक गृह मंत्री के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा, कहा एक बार में चुनाव होगा तो देश का बचेगा कई लाख करोड़। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल व डीजल के दामों में 2 रुपए की छूट, जाने लोगों ने क्या कहा। CPRO ने दी जानकारी, कहा होली पर्व की दृष्टि के पूर्वोत्तर रेलवे 80 ट्रेनों का कर रहा संचालन। संयुक्त व्यापार मंडल द्वारा व्यापारी सम्मेलन एवं अभिनंदन समारोह का किया गया आयोजन। राप्ती नदी में नहाने गए 3 दोस्तों की गहरे पानी में डूबने से हुई मौत। मंगलामुखी जन कल्याण समिति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को किया गया सम्मानित। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रमाडा होटल का फीता काटकर किया उद्घाटन।